शाम में श्रीमती राजपरिवार पहुंचे कार्मेल स्कूल, घटना का लिया जायजा। कार्मेल स्कूल में हुई दुर्घटना के बाद देर शाम झारखंड सरकार के श्रम मंत्री राजपरिवार विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ढहे हुए भवन के अवशेष को देखकर दुख प्रकट किया। साथ ही उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को आश्वासन दिलाया कि इस पूरे भवन की जांच भवन निर्माण विभाग की इंजीनियर से कराई जाएगी, उसके पश्चात जर्जर भवनों को गिराकर नए भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपायुक्त देवघर को आदेश दिया गया है कि वह इसकी समुचित जाँच कराएं और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, यह बड़ी बात है। अगर किसी को कुछ खरोंच भी लगती तो विद्यालय प्रबंधन को जवाबदेही लेनी पड़ती। इस अवसर पर उनके साथ कार्यपालक दंडाधिकारी संजय सिन्हा, पूर्व प्रमुख सुवर प्रसाद सिंह, कांग्रेसी नेता सुभाष सिंह, भाजपा नेता सुशांत राय, विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर पुष्पा, सिस्टर दिव्या समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। Our exam is over. Results will come on the 11th Monday. We are repairing little little here and there. आज सर आए यहाँ देखे, स्थिति को देखे, क्या लग रहा है सर? और देखिए जिस प्रकार से हम तो सबसे पहले पत्रकार महेश मिश्रा जी को धन्यवाद देंगे कि हम रांची में थे, उन्होंने दुर्भाग्य से हमको बताया और मैं रांची से चल के आया हूँ। ये जो बिल्डिंग गिरा है ये बड़ा ही भयावह स्थिति है, इसका संपूर्ण जांच होना चाहिए। ये संजोग है कि बच्चे स्कूल में नहीं थे, एग्जाम हो चुका था, पर बच्चे रहते तो बड़ी घटना घट सकती थी। हम ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं कि बंद आवर में बिल्डिंग गिरा है और पूरा बिल्डिंग का हम जांच करवाते हैं। ये बिल्डिंग क्यों गिरा, किस परिस्थिति में गिरा, बनाने की प्रक्रिया में कहीं गड़बड़ी है, बिल्डिंग का उम्र पूरा हो गया, इसमें दोषी कौन है, इसको एक पूरा सर्वांगीण इसका हम सांगोपांग जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।